आप सभी को जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 में कुछ इस प्रकार लिखा है, आलीलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इज़राइली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। तो आइए हम सभी मिलकर उस ईश्वर की स्तुति करें, उसके नाम का भजन गाएं, उसके नाम का गुणगान करें। महिमा के युग है, आदर के युग है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के युग है, आदर के युग है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू यू ही योग्य प्रभु है, तू ही सर्वज्ञ प्रभु है, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू ही आदर के योग्य प्रभु है। मेरा मुख जब भी खुले बस तेरी स्तुति के लिए प्रभु, मेरी आंखें जब भी देखे तो बस तेरी और ही देखे। हाँ प्रभु, जब भी मैं इन कानों से कुछ भी सुनूं तो बस तेरी ही वाणी को सुनूं, मेरे मुंह से बस प्रभु तेरे ही वचन निकले और मैं निरंतर बस तेरी ही स्तुति करती रहूं, तेरी ही आराधना करती रहूं, क्योंकि तू महान है। और प्रभु यीशु, जब आप यहां थे प्रभु, आपने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। और हाँ प्रभु, इस पवित्र बाइबल से आज हम तेरे सभी चमत्कारों को जानने वाले हैं, जो चमत्कार आपने किए हैं हमारे लिए, हम सभी के लिए, हम पापी मनुष्य के लिए। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तेरे अद्भुत कार्यों को आज हम मनन करते हुए तुझे स्तुति देना चाहते हैं, तुझे आदर देना चाहते हैं।
और हमारी आत्मा तेरा गुणगान करना चाहती है प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम सभी मिलकर आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं। इस सुंदर गीत के साथ महिमा के योग्य है हम फिर से एक साथ एक स्वर मिलाकर उस प्रभु को महिमा दें। यीशु महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। उसके अनुसार सुसमाचार अध्याय एक में पढ़ते हैं, उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से आए। उन्होंने यर्दन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी। हाँ, स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारा पिता परमेश्वर अपने यीशु, अपने पुत्र पे अत्यंत प्रसन्न है। स्वर्ग खुल गया और वहां से ही यह वाणी सुनाई दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ यहाँ थे इस दुनिया में, उस समय कफरनाहुम में एक मनुष्य अब्दूत से ग्रस्त था। वह मनुष्य बुरी आत्माओं से भरा हुआ था। उस समय हम देखते हैं पवित्र बाइबल में क्या हुआ। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। हमारा यीशु, सर्वशक्तिमान यीशु, उस अब्दूत को उस मनुष्य से निकालने वाला यीशु, उस यीशु में अद्भुत शक्ति, उसने अनेक चमत्कार किए।
फिर भी हमने कई बार उस पे विश्वास नहीं किया। आज उसके चमत्कारों पे हम फिर से मनन करते हुए हर एक चमत्कार के लिए उस यीशु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। यीशु ने उस अवधूत को दादा और उस मनुष्य से वह अवधूत निकल गया। हाँ, वह अवधूत भी जानता था कि वह ईश्वर के द्वारा भेजे हुए परम पावन पुरुष है। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें, उसको महिमा दे, उसकी आदर करें। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर उसकी सास बुखार में तप रही थी, वह बुखार से पीड़ित थी। उस समय ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। हाँ, जब ईसा उसके पास आए और जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो पैतृस की सास का बुखार जाता रहा। आइए हम भी इस समय में, इस क्षण में अपने यीशु का हाथ थामे। हाँ, अपने यीशु का हाथ थामे और हमारे जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उन सभी को प्रभु की स्तुति करते हुए दूर कर दें, क्योंकि प्रभु की स्तुति करने में शक्ति है, प्रभु की स्तुति करने में आनंद है। आइए इस क्षण में जिस प्रकार पैतृस की सास का बुखार चला गया था, उसी प्रकार विश्वास करते हुए हम भी उस प्रभु को स्तुति दें और उसकी महिमा करें। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के लोग कोढ़ी थे और प्रभु यीशु ने उन कोढ़ी को भी स्वस्थ किया। हाँ, हम देखते हैं पवित्र बाइबल में एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। हमारी यीशु की यही इच्छा है कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट ना रहे, हम सभी उसमें आनंदित रहे, हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ हो। और उस यीशु की बस यही इच्छा है
जिस प्रकार उस कोढ़ी को स्वस्थ हो पाया, उसी प्रकार आज हम भी अपनी सभी पीड़ाओं को उस प्रभु यीशु को दे और हमारे जीवन में भी आनंद आ जाएगा, हमारे जीवन में भी खुशियां आ जाएगी। हाँ, उस यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया, हम भी अनुनय विनय करते हुए उस यीशु के पास जाए, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे और उसका गुणगान करे। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धरोगी को चार आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धरोगी की चार पाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धरोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आज इस क्षण में वो प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा दे रहा है, और जब हमें हमारे पापों की क्षमा हमें मिल रही है तो इस वक्त हम भी उस प्रभु की चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। आइए तन मन हृदय से उसे धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वह यीशु जानता है कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या पीड़ा है, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। इस दुनिया में कोई भी नहीं हमारी पीड़ा को समझ पाएगा, बस केवल एक ही यीशु, हाँ सिर्फ यीशु ही हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। आइए मिलकर पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ उस प्रभु को स्तुति दे। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, मेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, मेरे जैसा।
से धन्यवाद दे। ये समय प्रभु की स्तुति करने का, ये समय प्रभु की आराधना करने का, ये समय है हमारे सभी बंधनों को तोड़ने का। आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, निरंतर प्रभु यीशु का नाम लेते रहे, हम हालेलुया बोलते रहे, क्योंकि ये स्तुति प्रभु सभी स्वर्ग दूत इसी प्रकार प्रभु की स्तुति करते रहते। आइए हम भी निरंतर उस प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया यीशु, आप ही की स्तुति हो, आप ही की आराधना और आप ही की जय जयकार यीशु, आपकी स्तुति हो, आराधना जय जयकार, धन्यवाद तेरे यीशु, आप ही की स्तुति और आप ही की आराधना जय जयकार। आज दिन के समय में आपको समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे चमत्कारों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन में हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरे चमत्कार पर, विश्वास करते हैं तुझ पर यीशु। हाँ मेरे यीशु, तुझे धन्यवाद यीशु, यीशु हालेलुया यीशु, तेरी आराधना को जयकार हो यीशु, हालेलुया हालेलुया यीशु और यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया यीशु, तेरी आराधना।